हेलो नमस्कार, मैं भाई संगम मिश्रा यूट्यूब चैनल पे आप सभी का दोबारा स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि एनटीपीसी 2024 की जो पोस्टें आई हुई हैं उसमें सबसे बेहतरीन पोस्ट कौन सी है जिसको आपको टारगेट करना चाहिए। देखो, इसमें पोस्ट तो बहुत सारी हैं, लगभग मेरे हिसाब से 5-6 पोस्टें हैं, लेकिन उसमें सबसे बेहतर पोस्ट जिसको आपको टारगेट करके रखना चाहिए उन पोस्टों को मैं बता देता हूँ। उस पोस्ट को पर्टिकुलर पोस्ट के बारे में बताने वाला हूँ जिसको आपको टारगेट करके चलना है, जो एक अच्छी पोस्ट मानी जाएगी। इसमें दो तरह के पोस्ट हैं, एक तो अंडर ग्रेजुएट पोस्ट है और ऊपर से दूसरा है जो ग्रेजुएट पोस्ट है। ठीक है, तो जो हम बात करने वाले हैं जब सबसे बेहतर पोस्ट की, तो मैं बात करने वाला हूँ ग्रेजुएट पोस्ट की। तो ग्रेजुएट पोस्ट में सबसे बेहतर पोस्ट मेरे हिसाब से है वो है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट सबसे बेहतर मानी जाती है। 2019 में जब एनटीपीसी की वैकेंसी आई थी, उस दौरान मैंने काफ़ी यूट्यूब चैनल पर अपने यूट्यूब वीडियो को पोस्ट किया था और काफ़ी लोगों ने वीडियो को हमारे सराहा था। कटाफ की वीडियो भी मैंने बनाई थी, तो उस पर भी काफ़ी लोगों ने बोला कि आपकी जो वीडियो है वो जेन्युइन लगती हैं। तो इस मद्देनज़र मैं 2024 के लिए भी आपके लिए खड़ा हूँ। क्लर्क कम टाइपिस्ट की जो पोस्ट है वो 2800 ग्रेड पे के अंडर आती है, लेवल 5 की ये जॉब है। इसकी अगर जॉब प्रोफाइल की बात करते हैं तो रेलवे में डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, जैसे RDSO हो गया, हेडक्वार्टर हो गया, स्टोर हो गया, अलग अलग सेक्शंस में एज अ सीनियर क्लर्क के तौर पे ये काम करते हैं। अगर आपका लक अच्छा रहता है तो आपकी पोस्टिंग DRM ऑफिस में भी हो सकती है, RDSO में भी हो सकती है। अगर आपको DRM ऑफिस अटैच कर दिया जाता है तो इसमें सबसे बेहतर ये बात है कि आपकी जो वर्किंग होगी वो 5 डेज होगी। बाकी अगर पोस्टों के कंपेयर किया जाए, जैसे सीनियर कॉमर्शियल क्लर्क और या कॉमर्शियल क्लर्क की बात करें, तो इनको 6 डेज वर्किंग दी जाती है, लेकिन अगर आप सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के तौर पे अगर पोस्ट मिलती है आपको, तो आपकी एक ऑफिस टाइप की जॉब रहेगी, आपकी जॉब 9 to 5 होगी और 5 डे वर्किंग होगी। और DRM ऑफिस में आप तो जानते ही हो, अगर आप DRM ऑफिस में लगती है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं सैलरी के बाद भी, थोड़ा उस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन एज अ सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट आपको बहुत सारे पावर्स मिल जाते हैं, जैसे कि सैलरी सेक्शन में मिल गया तो सैलरी, दूसरे लोग का सैलरी, पेंशन देखना, अगर दूसरे और उसके अलावा कोई और सेक्शन मिलता है उसमें, जो भी बिल्स वगैरह होते हैं उसको आपको देखना होता है। अगर स्टोर में लग जाता है तो स्टोर की जितने सामान हैं, जितने रेलवे के स्टोर में आर्टिकल्स रखे हुए हैं, उनको भी एक तरह से आपको ही सारा कुछ डील करना होता है। तो इसमें डिफरेंट टाइप के आपको मिल सकते हैं सेक्शंस, तो काफ़ी अच्छी जॉब है ये अगर देखा जाए तो। अगर सैलरी की बात की जाए तो 50 to 55 इन हैंड स्टार्टिंग सैलरी आपकी हो सकती है, तो हर महीने में देखा जाए तो ये पोस्ट ख़राब नहीं है। अगर आपके जो कमेंट होंगे वो कमेंट कर सकते हैं, अगर आपको डाउट किसी चीज़ पे लग रहा है तो कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।